प्रेरितों का पुस्तक उसका 4:23 से 31 तक हम पढ़ेंगे। वे छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उसको सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तो वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुंह से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाते और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह ने विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ कटे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदस और पुंतियुस प्लातस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में कटे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मदी से ठहरा था वही करें। अब है प्रभु उनकी धमकियों के देख और अपने दासों के ये वरदान देख कि तेरे वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपने हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। अब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे कटे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। प्रभु का नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर अभी तक हमको संभाला, इसलिए प्रभु का हमको धन्यवाद हमको देना है, क्योंकि हम आज और एक बार प्रभु का सम्मुख में एक नया दिन को देखने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन से हम कुछ बातों को हम सुनते हैं। तो 4 अध्याय का है, लेकिन 3 अध्याय से संभव जो है हो रहा है। 3 अध्याय में योहन्ना और पत्रस दोनों जो है प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए वो जा रहा था, तभी ये संभव होने लगा। वो एक भीख मांग रहा था, एक भिखारी, वो लोग ने पैसा नहीं दिया, ताकि बल्कि जो है उसने चंगा कर दिया है। वो लंगड़ा था तो उसको चलने फिरने लगा और सब लोगों के सामने जो है वो चमत्कार हुआ तो लोग इकट्ठा हुआ, लोग सब देखने लगा तो प्रचार किया तो जो है लोग उधार पाया तो वहां का लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। फिर वो पकड़ के लेके गया जेल में डाला। दूसरा दिन सब इंक्वायरी हुआ है, सब धमकी दिया। अभी यीशु का नाम से कुछ बोलना नहीं है, बस इतना ही धमकी दिया, यीशु का नाम मत लेना, बाकी तुम कुछ करो, लेकिन सिर्फ यीशु का नाम मत बोलना। ऐसा करके वो धमकी दिया तो वो बाहर आया। तो ये संभव जो अभी जो पढ़ा है वो वचन है, इसके बाद में भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हमको आज इतना ही जो है हमको इसमें से थोड़ा देखना है। जब वो लोग बाहर आने के बाद फर्स्ट काम जो है उसका साथियों के साथ दिया। हर एक बिलीवर्स, हर एक लोगों को, हर एक विश्वासियों को एक प्रेयर टाइम होना चाहिए। उसके अलावा आप आत्मिक जीवन में आप आगे नहीं बढ़ नहीं सकता है। पत्रस और योहन्ना इसके जैसा लोग, प्रभु परमेश्वर का प्रेरित लोग, अभिषेक पाने के बाद ये लोग तो ऐसा हमेशा ऐसा बोलता था। हम लोगों का तो प्रथम काम ना वचन बांटना, वचन को प्रचार करना और प्रार्थना करना और वचन को बांटना, दोनों जो है इक्वल जाना चाहिए। वचन को वचन, वचन वचन ऐसा नहीं है, वचन प्रार्थना भी करना है हमको, प्रभु के साथ बैठना भी है फिर जाना भी है, दोनों काम जो है इक्वली करना है। लेकिन दुर्घटना ऐसा हो जाते हैं, प्रभु बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के साथ बैठता नहीं है, फिर ऐसा ही प्रचार करने के लिए ऐसा ही निकल जाते हैं, प्रचार करते हैं, यीशु का सेवा करना है, ऐसा निकल जाते हैं। प्रभु परमेश्वर आपको बुलाया, जब हमको प्रभु परमेश्वर प्रेरित लोगों को पसंद किया जो पहाड़ से उतरा है, वो पहला काम जो है ये दिया था, वो लोग मेरे साथ रहे फिर वो मेरे लिए वो जाए।
दो काम जो है उसमें परमेश्वर ने दिया है। कोई भी व्यक्ति को जो है बाहर जाने के लिए ऐसे जाने के लिए कोई अधिकार नहीं जब तक वो उसका परमेश्वर के पास जाके ना बैठे। उसको बैठना चाहिए तभी जो है उसको उसका मालिक का सारी बात जो है समझ में आएगा। क्या बोलते हैं परमेश्वर, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको सारे चीजों को जो है उसको समझ में आएगा। लेकिन ये दुर्घटना है तो लोग ऐसा करता नहीं। चलो वो तो, लेकिन वो बात इसमें जाना दो। लेकिन आपको प्रेयर का टाइम फिक्स, एक प्रेयर टाइम होना चाहिए। ये लोग बहुत बिजी मिनिस्टर था, बहुत बड़ा सेवक लोग था, लेकिन वो लोग का प्रेयर के लिए एक टाइम था, प्रार्थना के समय 9 बजे वो लोग जो है, 9 ऐसा लिखा है उसका 9 o'clock वो समय जो है क्या है वो इसराइल के टाइम से वो अलग होगा। वो एक हम क्या बोलना चाहते हैं, प्रेयर के लिए एक समय जो है वो लोग फिक्स रखा है। भले जो है वो ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और प्रेयर का एक टाइम था। पत्रस है, पत्रस का एक प्रेयर पार्टनर भी था, जॉन के लिए एक प्रेयर पार्टनर था, याकूब के लिए प्रेयर पार्टनर था, हर एक बिलीवर्स के लिए एक प्रेयर पार्टनर जो है रहना जो है जरूरी है। तो हमको तो ज्यादा जो है पर्सनली हमको प्रेयर करना है, हमको व्यक्तिगत जो है प्रेयर करना है, लेकिन एक प्रेयर पार्टनर हमको होना बहुत जरूरी है। उसके साथ हम बैठ के प्रार्थना कर सके, हम शेयर कर सके, कुछ जो है बातों को शेयर कर सके, प्रार्थना कर सके, ऐसा तो आपको करना बहुत जरूरी है। मेरा जवानी मैं जब यीशु मसीह को जब स्वीकार किया तभी हम एक चीज को एक बुक में पढ़ा था, और कौन है किसका पुस्तक है याद नहीं है, लेकिन वो पुस्तक में ऐसा था, जब आप कभी ऐसा फील करेंगे अभी बहुत थका हुआ है, निराश जैसा लगता है, ऐसा समय में जो है आपको आपका प्रेयर पार्टनर किसके पास आप जाइए, जाके थोड़ा समय बैठिए, बातचीत कीजिए, कर लीजिए, बातचीत करके करके फिर उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा उसके साथ आप प्रार्थना कीजिए, आप फ्रेश हो जाएंगे। कभी कभी हमारा प्रेयर पार्टनर हमसे भी थोड़ा लो रहेगा, बहुत नीचे रहेगा, प्रेयर आत्मिक जीवन में नीचे रह सकता है, लेकिन प्रभु आपको उसको प्रेयर पार्टनर करके तरीके दिया है, फिर उसके साथ आप थोड़ा स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वो प्रार्थना करेगा चंगा हो जाएगा। बहुत समय में ऐसा होता है पास्टर प्रार्थना करके बिलीवर्स जो है विश्वासी जो है चंगा हो जाते हैं, अच्छा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय ऐसा भी रहते हैं बिलीवर्स प्रार्थना करके पास्टर जो है चंगा हो जाते हैं, ऐसा भी रहता है। परमेश्वर हमको एक दूसरा के साथ मिलके हमको चलने के लिए परमेश्वर हमको सिखाते हैं, ऐसा रखा है। कुछ समय में हाथ जो है एकदम ढीला पड़ जाएगा, कमजोर हो जाएंगे, निराश हो जाएगा, तब परमेश्वर जो है एकदम छोटा व्यक्ति है उसको परमेश्वर जो है उपयोग करते हैं उसके थ्रू जो है। मैं खुद जानता हूं कितना कलीसिया में कितना लोगों को जब पास्टर जो प्रॉब्लम में रहेंगे, प्रॉब्लम में फंसा रहेगा, नहीं तो शैतान का अटैक में रहेंगे, बीमारी में फंस जाएगा, शैतान जो है बीमारी लाएगा, बहुत सारा स्ट्रगल होते रहेगा, बिलीवर्स प्रार्थना करेगा, उसका चर्च का जो है विश्वासी लोग जो है प्रार्थना करेंगे, वो चंगा हो जाते हैं, अच्छा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर वापस वो खड़ा हो जाते हैं, खड़ा होके फिर वो सेवा जो है करते हैं, कलीसिया में खड़ा हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, बहुत सारा चेंजेस जो है आते हुए मैंने देखा है। इसलिए हमको हर एक को प्रेयर का प्रेयर पार्टनर रहना बहुत जरूरी है। आपका एक प्रेयर का संगति होना जरूरी है। बड़ा जो है ग्रुप नहीं रहेगा तो भी दो तीन रहेगा तो भी का बस है, लेकिन कभी कभी शैतान क्या कर लेते हैं, तुम तो बहुत अच्छा प्रेयर करने वाला है, वो लोग तो बहुत नया लोग है, उसको तो थोड़ी पता है ऐसा, वो उसको तो कुछ आता नहीं है करके हमको अलग कर लेते हैं, आपको अलग कर लेते हैं, हमको अलग कर देंगे, ये लोग के पास आपका क्या बात करना है, आप तो बड़ा व्यक्ति है, आप तो कितना साल से आप सेवा कर रहे हैं, आपको तो सब आता है, आप तो बहुत जानते हैं, आपके हृदय का बातों को जो है आप शेयर नहीं कर सके, बता नहीं सके, ऐसा जो है शैतान जो है ऐसा बंधन में हमको जो है ले आ जाते हैं, फिर हम अकेला हो जाते हैं, हम अकेला हम यात्रा करके 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 फिर हम कहां गुम हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलते, कहां हम पड़ जाते हैं कुछ पता नहीं चलते। हर एक मसीह का जीवन में, हर एक प्रभु परमेश्वर को यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया हुआ हर एक बिलीवर्स, हर एक विश्वासियों, उसके लिए एक प्रेयर का टाइम होना चाहिए, उसके लिए एक प्रेयर का पार्टनर भी होना बहुत जरूरी है। सारे बातों आप खुल के आप बात नहीं कर सकते तो भी आपको
ऐसा एक ग्रुप रहना जो है बहुत जरूरी है। जो पत्रस और यूहन्ना जो रिटर्न आते हैं, रिटर्न आ गया है तो उसका जो कुछ भी संभव हुआ है हम प्रेयर के लिए वो सारे चीजों को वो बता रहे हैं। हम प्रेयर के लिए गया था, फिर वो एक चंगा हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, फिर उसके बाद हम वो सारे बात वो जगह बताते हैं। वो लोग धमकी दिया बहुत, फिर इसका साथ रहने वाला सब लोग उसमें एक साथ एक मन होके वो लोग प्रार्थना जो है स्टार्ट किया। वो लोग एक प्रेयर पॉइंट सुना तुरंत जो वो लोग प्रेयर किया, प्रेयर किया तो एकदम जोर से कोई 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 कुछ जगह पे जो है हम जोर से प्रार्थना नहीं कर सकते। आजकल जो ऐसा जगह जो है सिटी में रहने वाला को तो होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। चलो कुछ भी है आपको आपका जो आपके हिसाब से जो है वो लोग आप कर लेने का। वो लोग प्रार्थना किया और प्रार्थना एकदम सब एक मन होके वो लोग प्रार्थना किया। प्रार्थना किया तो जो है वो लोग तीन तीन बातों के लिए जो है कुछ बात वो कर रहे। परमेश्वर अपने अपने दास जो है एकदम हिम्मत के साथ ही आपके साथ हिम्मत के साथ परमेश्वर आपका वचन को बांटे। कभी जब हम ट्रबल में आते हैं हम ये तीन पॉइंट जो हमको प्रेयर करना है, आज भी हम प्रेयर करने वाले। परमेश्वर एकदम हिम्मत के साथ आपके सेवक आपके वचन को बांट सके। कुछ समय ऐसा रहता है वो मुझे जो है वो सब अनुभव है, पता भी चल जाते हैं। कुछ जगह पे हम न्यू जगह पे जाएंगे वो पूरा वो टेरिटरी पूरा जो है शैतान का इसमें रहेगा, शैतान का कंट्रोल पे रहेगा। वो समय में हम कुछ सुसमाचार नहीं बांटना है, वो समय में हम चिल्लाना नहीं है, वो समय में हमको कुछ ज्यादा जोर से प्रार्थना भी नहीं करना है। वो समय जो है हमको एकदम साइलेंट रहना है। वो समय हमको साइलेंटली एकदम धीरे से एकदम चुपके से जो है काम करने का वो समय रहता है। बहुत समय लोग जो है इसमें गड़बड़ करते हैं, सेवक लोग भी इसमें गड़बड़ कर लेते हैं। वो समय हमको कुछ हमारा बारे में आपको आपका कुछ बताने का नहीं है। वो समय में आप चुपचाप रहना है, एकदम सिंपल रहना है, एकदम कुछ कोई बाहर कोई दिखावा जो है कुछ नहीं करना है। वो पूरा क्योंकि वो पूरा टेरिटरी जो है शैतान का कंट्रोल पे रहता है। वो समय में न्यू टेरिटरी पे कभी प्रभु न्यू टेरिटरी में नया सीमा में नया जगह पे प्रभु परमेश्वर आपको ले जाएंगे, तभी इसी प्रकार करना है, इसमें गड़बड़ मत करना है। और समय में एकदम शांत रहना है। उस समय में हमको कुछ भी बात करने के लिए हिम्मत नहीं रहता, एकदम डर जैसा लगेगा, बहुत डर जैसा लगेगा। हमको समझ लेना है, डर जैसा लगता है तभी हमको समझ लेना है ये अभी टाइम नहीं है, ये टाइम पे अभी कुछ करना नहीं है, समझ लेना। फिर ऐसा आप पर्सनली धीरे 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 आप आपके रूम के अंदर प्रार्थना करते 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 जाएंगे। एक समय के बाद उधर का डार्कनेस उधर का जो है अंधकार सब निकलते जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा हिम्मत आएगा। फिर आपका आवाज जो है धीरे 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 उठते जाएगा। वो एक टाइम आएगा तभी वो सब चला जाएगा, उसके बाद ही आपको सुसमाचार बांटना है। पहला जहां भी गया तुरंत जो है मत करना है, खास करके उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में वो बात अलग है, वो लोग ऑलरेडी सब करके रखा है। वहां पहला आप जाने से पहला आपका प्रेयर वहां जाना है। जब आप प्रेयर करते रहेंगे वो सब जो है हिलते जाएगा। हमको ऐसा प्रेयर करना है और हिम्मत के साथ वहां बोल सके। जब लोग बॉन्डेज में रहेंगे, लोग बंधन में रहेंगे, लोग शैतान के अधीन में रहेंगे, तभी तो हम हिम्मत के साथ सेवक लोग जो है प्रचार नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, मुंह में जो है वचन नहीं आएगा, वो हिम्मत नहीं आएगा। उसके लिए हमको प्रेयर करना है। हर एक सतावनी के अंदर जाने वाला हर एक कलीसिया, ऐसा धमकियों के बीच में से जाने वाला हर एक कलीसिया ये प्रेयर करना है, परमेश्वर आपके वचन को हमारा सेवक लोग आपके साथ हिम्मत के साथ बांट सके, प्रभु अनुग्रह दे दो। सेकंड जो है हीलिंग के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करें, वो तो चिन्ह और चमत्कार का तो हम बात करेंगे। फिलहाल सेकंड जो है कलीसिया पे आने वाला लोग चंगा होना चाहिए, आजू बाजू में रहने वाला लोग चंगा होना चाहिए, लोग हीलिंग होना चाहिए। हीलिंग तो हमेशा जो है जरूरत पड़ता है। वो लग रहा था जवान जन्म से जो लग रहा था वो यीशु को वो सेवक लोग जो है उसको चंगा किया, उसका थ्रू जो है मिनिस्ट्री का लाइन खुल गया, उसका थ्रू वो चंगाई हुआ तो उसको देखने के लिए लोग आया तो प्रचार हुआ तो लोग उद्धार पाया, प्रचार किया, फिर उसके बाद लोग हुआ।
हमारा कलीसिया में, हमारा इंडिविजुअल, हर एक व्यक्तिगत, हर एक विश्वासियों के हाथों के द्वारा प्रभु परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार और चंगाई ये सब करना है, उसके लिए प्रेयर करना है। चिन्ह और चमत्कार, चंगाई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी में रखिए। हीलिंग एक साइड में होना चाहिए, चंगाई एक साइड में होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग जो है होना चाहिए। एक विश्वासी कब वो मजबूत रहेगा, परमेश्वर मुझे उपयोग करता है ऐसा वो खुद अपने लाइफ में अनुभव में आएगा, तभी वो एकदम मजबूत रहेगा। उसके पहला तक जो है वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। हर एक विश्वासियों को परमेश्वर उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इसने बाइबल में ऐसा लिखा है, विश्वासियों से होने वाला चिन्ह वो बीमारी लोगों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर हाथ रखेगा, वो चंगा होगा। हमको ट्राई करना है, हमको ऐसा कुछ हिम्मत नहीं आता तो छोटा 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 चीजों में जो है आप ट्राई, एक प्रैक्टिस हमको प्रैक्टिस में लाना है। कोई आपका छोटा, आपको आपका परिवार से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप परिवार से मत करो, पहला आपसे स्टार्ट करो। आपको कोई ऐसा फीवर जैसा लगता था, क्या बोलते हैं, बुखार जैसा लगता है, तुरंत जो है आप आपके सिर के ऊपर आप हाथ रख के आप प्रार्थना कर लो, यीशु के नाम से बुखार सब निकल जाए, यीशु के नाम से आप डांटो, आप उपयोग करो, आपका अभिषेक उपयोग कर लो। इसी प्रकार आप करेंगे, पहला आपको खुद आपके ऊपर करेंगे, आपको चमत्कार होगा, तभी वो आपका परिवार के लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करने के लिए हिम्मत आएगा। फिर उसके बाद वो बढ़ते 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 कोई भी बीमार व्यक्ति है, कोई भी आप आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति है, उसका कोई भी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तभी आप बोलते हैं, वो सब बताते हैं, ऐसा ऐसा है, वो डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर के पास गया, वो टाइम जो है आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है यीशु के बारे में बोलना है, बोलने के लिए। लेकिन वो समय में आप बोल रहे हैं मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, वो समय जब लोग जो है ऐसा ऐसा सिचुएशन में आ जाएंगे, तभी वो एकदम नरम हो जाता है, तभी वो हमारा विरोध विरोध कुछ नहीं करते हैं, वो समय में एकदम नरम हो जाता है। उसको तो वो समय में वो धर्म धर्म नहीं है, उसको तो चंगाई चाहिए बस, बाकी वो कोई बाकी कोई चीज में नहीं रहेगा। कुछ भी हो, कहां से भी हो, हमको अच्छा होना चाहिए। लोग जो है डर मरने से जो है बहुत डरते हैं, डरेंगे है? वो एक बहुत बड़ा फियर, वो सिचुएशन में आने के समय में चलो अलाउ कर देंगे, लोग अलाउ करते हैं, तभी हमको प्रेयर करना है, वो तभी हमको बोलना है, तभी हमको प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये हमारा हाथों से होना चाहिए, होएगा तभी हमको हिम्मत आएगा। कुछ भी है आप हाथ रख दो, बाय फेथ विश्वास से आप हाथ रखो, प्रभु काम करने वाले। इसी प्रकार आप चमत्कार को, चिन्ह और चमत्कार को आप अपना लाइफ में देखेंगे, देखेगा तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। इसलिए कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करना है, आपका पर्सनल लाइफ के लिए भी आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपको उपयोग करे। चिन्ह और चमत्कार, चंगाई ये सब होते रहे, ये तीन बात जो है वो लोग प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद, ये बहुत जरूरी है, ये तीनों बात जो है हमारे लाइफ में, हमारे कलीसिया में बहुत जरूरी है, ये तीन होना चाहिए। एकदम बोल्डनेस, पवित्र आत्मा के कंट्रोल पे कलीसिया होना चाहिए, एकदम हिम्मत के साथ, क्योंकि बहुत समय जो है बहुत सारा अलग अलग प्रकार जो है चीज जो है कलीसिया के अंदर घुस जाते, फिर हिम्मत के साथ वो वचन को बांट सके और ये भी कर सके, चिन्ह और चमत्कार हमारा कलीसिया में हो सके। ये लोग ऐसा प्रार्थना किया, फिर वो जगह पूरा हिल गया, ऐसा जो हम पढ़ते, वो लोग प्रार्थना चुके थे, तभी स्थान जहां वे कटे थे हिल गया, पूरा हिल गया। हिलने के बाद फिर वो पवित्र आत्मा से वो लोग भरपूर हो गए। हमको आम इसी प्रकार एक साथ हम प्रार्थना करेंगे, वो लोग कॉर्पोरेट प्रेयर बोलते हैं इंग्लिश में, सब जमा होके साथ में होके वो लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना किया तो जगह हिला, फर्स्ट जो है जगह हिल गया। होते तीन बात पहला बताया था, पहला जगह हिल गया, वो जिस स्थान पे आप रहेंगे वहां का जो बॉन्डेज है, वहां का शैतान का, शैतान ने जो बना के रखा है वो सांप जो है तभी वो हिलने लगता है, हिलने लगता है, इतना नहीं है वो कभी टूट भी जाते हैं। जब हम प्रेयर भी एक वेपन है, प्रेयर भी एक हथियार है, प्रेयर भी जो है शैतान का राज्य को गिराने वाला बहुत बड़ा हथियार है, परमेश्वर हमको दिया हुआ हथियार। हम इसी प्रकार हम मिलके हम प्रार्थना करेंगे, कभी कभी तो कभी कभी नहीं, ज्यादा समय जो हमको व्यक्तिगत
हमको प्रार्थना करना है, पर्सनल प्रेयर करना है, कभी हम कॉर्पोरेट प्रेयर में आना है, कभी हम सब मिलके हमको प्रार्थना करना है। कॉर्पोरेट प्रेयर में हम सब मिलके हम प्रार्थना करने में बहुत बड़ा जो है अभिषेक जो है हो जाता है, बहुत भयंकर जो है ऑटम बम जैसा जो है बम सामर्थ जो है रिलीज हो जाता है, वो समय में पूरा साफ हो जाते है, वो पूरा सेकंड जो कुछ भी बनाया गया रखा है वो सब जो है गिर जाते हैं एक। लेकिन उसमें मेन मेन प्रॉब्लम है सब एक मन नहीं होते। ऐसा हम चर्च में भी प्रेयर के लिए हम बुलाएंगे, चलो भाई हम सब मिलकर आज इतना प्रार्थना करेंगे, वो आएगा नहीं, बहुत सारा लोग नहीं आएंगे, आएगा तो भी वो अपने अपने चीज लेके आएंगे, मुझे वो उसके लिए प्रार्थना करना है, ये प्रार्थना करना है, जिस चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं वो चीज नहीं करेंगे। इसी प्रकार हम किया तो वो जगह जो है हिलेगा लिटरली, शायद जो है आपका बिल्डिंग आपका घर जो है नहीं हिला तो भी वो स्थान आत्मिक मंडल में वो जगह जो है पूरा हिलेगा, शैतान का हर एक बांडेज सब जो है टूटेगा और पवित्र आत्मा से भरेंगे और जो है हम वचन को बहुत आसानी से जो है हम बांट सकते हैं। फिर उसके बाद रिवाइवल भी होगा, उसके बाद वचन को सुनने वाला जो है उसका लाइफ में चेंजेस आएगा। हर बार इसी प्रकार आप टेरिटरी में आप नया नया जगह पे आप जाएंगे तभी अलग 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 जो है आप देख सकते हैं, चेंजेस को आप देख सकते हैं, आपके आंखों से देख सकते हैं, अभी पहला जैसा नहीं है, अभी एकदम अलग प्रकार हो जाते हैं, अभी पहला जैसा नहीं, इसी प्रकार आपके आंखों से देख सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम मिलके प्रार्थना करना जो है बहुत जरूरी है। ये लोग ऐसे मिलके प्रार्थना किया, ये लोग प्रॉब्लम आया तभी जो है एक साथ मिलके प्रार्थना किया, इसके अलावा भी वो लोग हमेशा जो है एक फिक्स टाइम रहता था मिलके वो लोग प्रार्थना करता था। प्रेयर ब्रिंग्स विक्ट्री, आपका लाइफ में भी प्रार्थना जो है आपको बहुत सारा विजय को लेके आएंगे, आप भी मिलके प्रार्थना करना है। हम कुछ बातों को आपको शेयर किया, उसी प्रकार आप रखिए, उसी प्रकार आप काम कीजिए, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। थैंक यू, हम प्रार्थना करेंगे अभी। थैंक यू लॉर्ड, स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू, आकाश और पृथ्वी बदल सकता है लेकिन आप नहीं बदलते हैं परमेश्वर, आपके नियम भी कभी नहीं बदलते हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। प्रभु वो लोग एक प्रार्थना के लिए एक समय रखा था, वैसे ही परमेश्वर हमारा लोग भी हम भी परमेश्वर एक फिक्स समय रख सकें, हमको समय मिलेगा तभी प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं परमेश्वर फिक्स समय रखें, ये हमारा टाइम, ये टाइम में मेरा परमेश्वर के साथ मुलाकात लेने का समय है, परमेश्वर को मिलने का समय है, ऐसा सब लोग एक प्रेयर के लिए फिक्स रखें और सबको जो है अच्छा प्रेयर पार्टनर भी रहे परमेश्वर, अपने हृदय का बात नहीं तो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करने के लिए और मिलके प्रार्थना करने के लिए प्रेयर पार्टनर्स भी रहे हैं परमेश्वर, और कलीसिया में भी परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार हो सके, प्रभु अनुग्रह दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आशीर्वाद कीजिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लिबिडा ऑफल टिश्यू मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु येसु का नाम से लफा लिमिंटो प्रोसिटल छाखन मात्रश्यो मेल्ट, हमारा कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कलीसिया में एक मन हो जाए, कलीसिया में परमेश्वर सब लोग एक साथ मिलके एक मन होकर प्रार्थना कर सके, कलीसिया में परमेश्वर हम प्रेयर के लिए एक समय रहे परमेश्वर, कलीसिया में परमेश्वर चेन प्रेयर है, कलीसिया में परमेश्वर फास्टिंग प्रेयर है, कलीसिया में परमेश्वर एकदम स्पेशल प्रेयर जो है रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, एकदम लंबा समय लेके प्रार्थना कर सके एनर्जी, ऐसा ही परमेश्वर आप एक समय को प्रभु दीजिए परमेश्वर, एक एस्तर जैसा प्रार्थना कर सके, तीन दिन पहले वो लोग उपवास और प्रार्थना किया वैसा ही जो है प्रार्थना कर सके परमेश्वर, स्पेशल स्पेशल इवेंट्स में संभव में परमेश्वर उसके लिए स्पेशल हम प्रार्थना कर सके प्रभु, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, लोग आज ये संदेश को सुनने वाला लोगों के जीवन में जो कुछ भी प्रार्थना के विषय में ढीला पड़ी है सब यीशु के नाम से दूर हो जाए, लिफा अतिम सब राशियो एंड फॉर अस पैल्स ऑफ फिशियो, अपने प्रकुटन को परमेश्वर एकदम मजबूत कर सके, हाथ को लंबा कर सके प्रभु, मजबूत कर सके हर एक लोगों को परमेश्वर, पवित्र आत्मा से परमेश्वर आप भर दीजिए, आपके महिमा से भर दीजिए, हमारा नहीं परमेश्वर हमारा नहीं, आपका नाम की महिमा हो जाए हर एक को परमेश्वर, हर एक पर्सनली हर एक बिलीवर्स को परमेश्वर आप उपयोग कीजिए परमेश्वर, उसके द्वारा प्रभु चिन्ह हो जाए, चमत्कार हो जाए, चंगाई हो जाए, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु हर एक को प्रभु आप उपयोग कीजिए परमेश्वर, सब अपने हाथ रख के प्रार्थना करने के समय में प्रभु चमत्कार हो जाए, चंगाई हो जाए परमेश्वर, आशीर्वाद कीजिए, सारे आदरों महिमा सब कुछ परमेश्वर आपको देते, यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।